हेलो बच्चों, हम 9th क्लास का रिटेल कर रहे हैं। इससे 9th रिटेल की दो बुक्स हैं, एक तो है रिटेल और दूसरा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो रिटेल की बुक में 4 यूनिट्स हैं जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसकी दूसरी बुक स्टार्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में जो फर्स्ट यूनिट है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संवाद। संवाद का क्या अर्थ होता है कि अपनी बात अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाना। आप लोग आपस में बैठ के बात करते हो, एक दूसरे को कुछ बताते हो, तो वो क्या है? कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो लेटिन वर्ड कम्युनिकेयर से आया है। कम्युनिकेयर का मतलब होता है शेयर करना। शेयर करना मतलब अपनी बात को साझा करना, किसी को बताना जो आपके मन में है, जो आप कुछ सोचते हो, अपनी सोच को, अपनी बात को अन्य व्यक्तियों के साथ शेयर करना, अदर पीपल के साथ शेयर करना, वो क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में कम से कम दो व्यक्ति होते हैं और एक व्यक्ति अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। इसे कम्युनिकेशन और हिंदी में बोलते हैं संवाद। संवाद की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरत होती है, क्या महत्व है संवाद का? सबसे पहला है इन्फॉर्म, यानी कि जानकारी देना, बताना। कम्युनिकेशन के द्वारा, संवाद के द्वारा हम अदर पीपल को, अन्य व्यक्तियों को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर कोई हमें कुछ बताना है, कोई जानकारी देनी है, तो हम उसे जानकारी दे सकते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी को कुछ बताना है, जैसे कि आपको क्लास में बताया जाता है या आपको फोन पर कोई मैसेज भेजा जाता है, कोई जानकारी दी जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन के द्वारा ही हम ये बता सकते हैं। जैसे कि कल की छुट्टी है, या आप उसको बताते हो कि ट्यूशन का टाइम 4 बजे है, स्कूल का टाइम चेंज हो गया, तो आप अन्य व्यक्ति को कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ जानकारी दे रहे हो। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस, यानी कि प्रभावित करना। कम्युनिकेशन के द्वारा, संवाद के द्वारा हम अन्य व्यक्तियों को प्रभावित कर सकते हैं, अपनी बात से उनके ऊपर कुछ प्रभाव डाल सकते हैं, हम उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई टेंशन में है, कोई कुछ प्रॉब्लम है किसी को, तो हम उसको समझाते हैं, अपनी सोच से उसे प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। आप मार्केट में जाते हो कुछ खरीदने के लिए, अगर जो रिटेलर है वो आपको 105 110 रुपए का बिल बनाता है, तो आप उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हो कि वो ऊपर के 10 रुपए छोड़ दे, 110 की जगह 100 ले ले, मतलब कीमतें कम करने के लिए आप उसे इन्फ्लुएंस करते हो, उसको प्रभावित करते हो। अगर आपका कोई फ्रेंड परेशान है, तो आप उसको अपनी बातों से कंसोल करते हो, मतलब उसको कुछ ना कुछ सांत्वना देते हो, समझाते हो, उसे प्रभावित करने की कोशिश करते हो कि उसका मूड चेंज हो जाए, वो खुश हो जाए। नेक्स्ट है एक्सप्रेस फीलिंग, भावनाएं दिखाना। कम्युनिकेशन के द्वारा हम अपनी भावनाएं दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी से गुस्सा हो, तो आप उसको अपना गुस्सा दिखा सकते हो। नाराज हो, तो आप उसे अपनी नाराजगी दिखा सकते हो। आप किसी से प्यार करते हो, तो आप अपने प्यार को एक्सप्रेस कर सकते हो। तो एक्सप्रेस फीलिंग की हम अपनी भावनाएं दिखाते हैं। जैसे कि अगर हम किसी बच्चे से प्यार से बात करते हैं, उसे चॉकलेट देते हैं, तो मतलब हम उस बच्चे के लिए अपना प्यार दिखा रहे हैं, अपनी अटैचमेंट दिखा रहे हैं। अगर आप दो दोस्तों में लड़ाई हुई, तो आप एक दूसरे को गुस्सा करते हो, झगड़ते हो, तो वो आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हो, फीलिंग शो करते हो। तो कम्युनिकेशन क्या है? संवाद जो दो व्यक्ति एक दूसरे से करते हैं। जो संवाद है उसका मतलब क्या है? कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया है कम्युनिकेयर, इसका मतलब है शेयर करना, अपनी बात, अपनी फीलिंग्स को अन्य व्यक्तियों के साथ साझा करना। और इसके द्वारा हम अपनी बात बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, अन्य व्यक्तियों को प्रभावित कर सकते हैं और अपनी फीलिंग्स को शो कर सकते हैं। थैंक यू।